हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन अनदर लेक्चर विच इज़ ऑन आर्क बिल्डिंग। ये पूरा प्रैक्टिकल बताऊँ मैं आपको किस तरह से आर्क बिल्डिंग काम करता है, क्या क्या इसमें सेटअप होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ से हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग को, और ये सॉकेट है ना। सॉकेट आपके प्लास्टिक में आते हैं, और ये 2 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, इस तरह का सॉकेट आते हैं। और जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस हिसाब से इसको लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है वेल्डिंग मशीन में। तो आप देखोगे यहाँ पर 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है, ये आप स्विच देख रहे हो यहाँ पर। इसमें भी यदि आप सॉकेट में देखोगे तो सॉकेट में आप देखोगे तो ये तीन देख रहे हैं आप। एक तो ये है, ये अर्थिंग का होता है, एक इसमें आपका फेज का होता है, और एक न्यूट्रल का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो अर्थिंग के बाद आप देखोगे इसमें दो वायर लगे हुए हैं, एक रेड कलर का वायर। जनरली क्या, इस तरह का सेटअप यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें प्लग यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा रिस्की रहता है। तो इसके बाद ये आप वायर देख रहे हो, आप दो वायर हैं, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रबर का कोटिंग चढ़ा हुआ है, और ये बेसिकली किसका काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं मशीन पर। तो ये आपका जो पावर वाला वायर है ये कनेक्टेड होगा आपका वेल्डिंग मशीन से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत सारे तरह की वेल्डिंग मशीन्स आती हैं। एक ये छोटी वेल्डिंग मशीन है जिसको मोबाइल वेल्डिंग मशीन है, इसको मतलब कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं। तो आप ये मशीन देख पा रहे हैं, ये मशीन है आपका, ठीक है, ये मशीन देख पा रहे हैं आप। और इस मशीन में अंदर ट्रांसफार्मर रहता है, रेक्टिफायर रहता है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। जनरली इसमें जो ट्रांसफार्मर रहता है वो क्या करता है, आपका वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा देता है, क्योंकि आपको हीट जनरेट करनी है, और हीट जनरेट करने के लिए आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। और यह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो सॉकेट हैं, दो कॉपर के वो हैं, इनसे आपका केबल कनेक्टेड है। और ये जो केबल हैं ये बेसिकली कॉपर के वायर हैं, और कॉपर के वायर के ऊपर रबर का आपने कवरिंग कर दी है। रबर का कवरिंग इसलिए कर देते हैं जिससे वो इंसुलेशन का काम करता है। और कॉपर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप देख रहे हो एक जो केबल है, एक केबल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसको अर्थ क्लैंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्थ क्लैंप, जो आप यहाँ पे देख रहे थे ये अर्थ क्लैंप है। ठीक है, तो अर्थ क्लैंप बेसिकली क्या, वर्क पीस पे या तो उसको लगा देते हैं या फिर कहीं पर लगा देते हैं जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप दूसरा केबल देखेंगे, ये दूसरा केबल कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड होल्डर से। आप यहाँ पे देखोगे ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ठीक है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड रहता है जिसको आप होल्ड करते हो। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है ना। और जनरली क्या होता है, जैसे एसी आर्क वेल्डिंग है तो उसमें पोलैरिटी वाला सिस्टम नहीं होता है, यदि आपका डीसी वेल्डिंग होता है तो उसमें रिवर्स पोलैरिटी और स्टेट पोलैरिटी भी रहता है। इसके बाद आप ये देख रहे हो ये चिपिंग हैमर है, और चिपिंग हैमर का क्या काम होता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक स्लग जमा हो जाता है, स्लैग बोलते हैं इसको। तो स्लैग को रिमूव करने के लिए चिपिंग हैमर होता है, बेसिकली वो एक तरह की लेयर होती है और उस लेयर को हमको रिमूव करना होता है। अब इसमें आप देखोगे जो वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं, ये एमएस के पाइप से हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो वेल्डिंग रॉड हम यूज करते हैं वो वेल्डिंग रॉड आपका मार्केट में स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आता है ना। यदि हम लेंथ की बात करूं तो 250 mm में आता है, 350 mm में आता है, 450 mm में आता है, और इस प्लस ये गेज नंबर के हिसाब से भी आते हैं। जैसे आपके तार गेज नंबर के हिसाब से आते हैं तो यहाँ पर भी ये गेज नंबर के हिसाब से आते हैं। जनरली 8, 10, 12 गेज नंबर में आते हैं, और गेज नंबर का रिलेशन होता है डायमीटर से, और ये उल्टा चलता है। जैसे मैं 8 और 10 गेज नंबर की कंपेरिजन करूँ तो 10 गेज नंबर का जो इलेक्ट्रोड होगा उसकी डायमीटर कम होगी इन कंपेरिजन टू 8। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये बेसिकली 450 mm, हाँ लेंथ में, स्टैंडर्ड लेंथ में आते हैं, मैंने बताई दिया आपको 250, 350 mm और 450 mm। तो
तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो 450 mm का इलेक्ट्रोड है जो कि एमएस वायर होता है अंदर इसमें, और एमएस वायर के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, और ये आप इसका रैपर देखो तो इस रैपर पे सारे डिटेल्स भी लिखा हुआ आता है। इसमें बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं इसमें उसका डायमीटर लिखा आता है, कितना करंट है, और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी आती हैं।